हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर अमृतांजन हेल्थ केयर के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1 रुपीज़ का। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 रुपीज़ एज ए डिविडेंड आपको मिलेंगे, मतलब एक शेयर पर आपको 1 रुपया मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर हम देखें तो 110 करोड़ का रेवेन्यू किया, जबकि उन्होंने पिछले क्वार्टर में भी 110 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का फ्लैट है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, जबकि पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो एक तरीके से ये भी फ्लैट है, तो क्वार्टरली वाइज कंपनी के फ्लैट रिजल्ट है। अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो ये दिसंबर का क्वार्टर, तो 10% का इंक्रीमेंट ही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर इतना ज़्यादा, मतलब 10% इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर कांस्टेंट है 20 करोड़, और पिछले दिसंबर के क्वार्टर में भी 20 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के फ्लैट रिजल्ट आए हैं, न ज़्यादा अच्छे हैं और न ही गंदे हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो 5-year हाई है 1024.55, करंटली 830.60 पे ट्रेड करें, और 9.60% ये शेयर डाउन है। तो ऑलरेडी मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, उस वजह से भी ये नीचे हो सकता है। और इसके फ्लैट रिजल्ट है जो अच्छा नहीं एक तरीके से, और साथ ही में आज मार्केट भी डाउन है, तो ये सारे रीजंस की वजह से ये शेयर इतना ज़्यादा डाउन है। ओके, तो अगर आपको निवेश करना है तो आपको अभी अवॉइड करना चाहिए इस शेयर में। आई होप आपको अमृतांजन हेल्थ केयर के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।